आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं इस वक्त ऐसी महिला के साथ हूं जिसको इस वक्त बिल्कुल पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सभी ने उनका नाम जाना, उनकी ताकत को पहचाना। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सरकार को जीत हासिल कराने के लिए जीत तोड़ मेहनत की। हमारे साथ शोभा ओझा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने भरपूर मेहनत की और सत्ता हासिल की, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, पोस्टर लगाए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उसको आप कैसे लेती हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव एक वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। 15 साल का जो बीजेपी का राज था, जो बाहुबल था, धन बल था, उसको उखाड़ फेंकना बहुत आसान नहीं था। बहुत मेहनत करी हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और हमको जनता ने हम पे विश्वास किया। आदरणीय राहुल जी ने प्रदेश की जनता को कुछ वचन दिए थे जिसकी पूर्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही कर दी, जो किसान कर्जा माफ़ी थी। उसके अलावा भी कई वचन हैं जो हम पूरे कर चुके हैं वचन पत्र के। आने वाली लोकसभा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 29 सीट टोटल है लोकसभा की, जिसमें से फिलहाल हमारे पास केवल 3 सीट है, 26 सीट बीजेपी की हैं। और हम सब चाहते हैं कि इस बार 2019 में लोकसभा में कांग्रेस जीत के आए, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ में देश की बागडोर रहे, और इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होके, नेता एकजुट होके पूरी ताकत लगाएंगे, जिससे कि हम मध्य प्रदेश से 20+ सीट राहुल जी को दे सकें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी प्रियंका गांधी जी भी चुनाव मैदान में उतर आई हैं, वो पूरी तरीके से अब राजनीति में आने का उन्होंने संकेत दे दिया है, लेकिन अभी आप लोगों की तरफ से घोषित हो चुका है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, कहीं प्रियंका गांधी जी के भी प्रधानमंत्री बनने के कुछ संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चलते नाम उन्हीं का आएगा। और प्रियंका जी ने मन बना लिया है, वो सक्रिय राजनीति में आ गई है। काफ़ी सालों से लोग इस बात की मांग कर रहे थे, वो बेहद पॉपुलर लीडर हैं और यूपी की कमान वो संभालेंगी, तो निश्चित ही यूपी से भी हमें बहुत सीट मिलने की आशा बनती है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी तरफ से हैं? जिस तरीके की भीड़ विधानसभा चुनाव में भी देखी गई थी, उनकी रैलियों में लोगों को देखा गया था, राहुल गांधी जी का एक अलग रूप नज़र आया था, हिंदुत्व की बात हुई थी, उन्होंने जनेऊ भी धारण किया था, लोकसभा चुनाव में क्या प्लानिंग चल रही है आप? देखिए, राहुल गांधी जी का लोग बड़ा सम्मान करते हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें जो वचन दिए थे वो पूरे करें सरकार आते ही साथ, और राहुल गांधी जी आभार व्यक्त करने आ रहे हैं प्रदेश की जनता के प्रति कि उन पर विश्वास करके प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। और जहाँ तक आगे की रणनीति की बात है, निश्चित ही पूरे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे, मंत्री विधायक तमाम लोग मेहनत करेंगे, और निश्चित ही हम लोग मध्य प्रदेश में अपनी लोकसभा की सीटें 20+ करके लाएंगे। लोकसभा चुनाव है, कौन कौन आपकी ओर से प्रत्याशी रहेंगे, या कुछ चेहरे जो आप सामने में लाकर लोकसभा चुनाव जीतने की मुहिम शुरू करेंगे, उनमें कुछ नाम अगर हो तो प्लीज़? देखिए, अभी बताना बहुत मुश्किल है, अभी तो पर्यवेक्षक अपने अलग अलग लोक संसदीय क्षेत्रों में गए हैं, वो वहाँ से नाम लेके आएंगे, 3 से 5 नामों की पैनल बनाने के लिए उन्हें कहा गया है, और वो पैनल लेके आएंगे, उसके बाद सर्वे होंगे उन नामों के, और उसके अलावा भी कोई नाम आता है तो उनके भी सर्वे होंगे, और उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और केंद्र की जो CEC कांग्रेस इलेक्शन कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी, ये लोग निर्णय लेंगे कि कौन चुनाव लड़े। अभी एक मैं फिर से पीछे जाती हूँ, और मैं ये जानना चाहूँगी कि विधानसभा चुनाव है, आप पूरी तरीके से बहुमत में आकर अपनी सरकार बनाई है आपने, कुछ और भी दल के 1-2 विधायक आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी सी नज़र आती है, नेता मंत्री अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने वरिष्ठों को पहले रिपोर्ट करते हैं, बाद में कमलनाथ जी को रिपोर्ट करते हैं, इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए,
कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी तमाम मंत्री मुख्यमंत्री जी को देते हैं। कहीं भी कोई मनमुटाव या मनभेद नहीं है। ये केवल और केवल बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए वो इस तरह की अफवाह फैला रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त दो लोग सरकार चला रहे हैं, एक कमलनाथ जी की सरकार चल रही है और पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, ये क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कमलनाथ जी ही सरकार चला रहे हैं, पर तमाम हमारे प्रदेश के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेके वो चला रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, सिंधिया जी हो, पचौरी जी हो, तमाम नेता उनके साथ हैं और ये सरकार एकजुट होके चला रहे हैं और मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी हैं, निर्णय कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए, सबसे पहला उनका निर्णय था कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस देखने में आ रहे हैं कि इसका इतना होगा, उसका उतना होगा, किसी का माफ़ नहीं हो रहा है, कुछ अनियमितताएँ भी नज़र आई हैं, तो किसानों का किस तरीके से आप संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, किसान तो बेहद खुश हैं और इस कर्जा माफ़ी के चलते बीजेपी का एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। गरीब किसानों ने सोसाइटी से कर्जा नहीं लिया था, उसके बावजूद उनके नाम पे, किसी के नाम पे 1,00,000 रुपए, किसी के नाम पे 50,000, किसी के नाम पे 2,00,000 रुपए का कर्जा निकला है। साफ तौर पे बीजेपी की जो सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे, उनका ये घोटाला है और ये उजागर हुआ है। इससे किसान विचलित था, पर इस घोटाले को पूरी तरह से इसकी छानबीन होगी और जो भी लोग दोषी थे उनको सज़ा अवश्य होगी। बीजेपी ने एक भ्रष्टाचार और घोटालों के चलते इस पूरे प्रदेश को दीमक की तरह खोखला करके पटक गए हैं। आप मानते हैं कि आपने जो किसान कर्ज माफ़ी योजना जो चलाई है उससे आपके किसान खुश भी हैं, वो आपको लोकसभा में कितना बेनिफिट दे? बिल्कुल, देखिए, किसान कांग्रेस ने जय जवान जय किसान का नारा ही नहीं दिया। कांग्रेस हमेशा किसानों के लिए संवेदनशील रही है। पहले भी मनमोहन सिंह जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, अभी हमने मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ़, राहुल जी के सोच की वजह से कांग्रेस ने वो किसानों का कर्जा माफ़ यहाँ भी किया, उसके अलावा भी किसानों को आगे भी कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, कहीं उसको कर्जा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की बात इस सरकार ने की है, मनरेगा लेके आए थे जो कि किसानों को रोज़गार, 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित करता था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ किसानों, क्योंकि हमारा एक किसान डोमिनेटेड स्टेट है, एग्रीग्रेरियन स्टेट है, तो यहाँ किसानों को हम नज़रअंदाज करके किसानों के प्रति असंवेदनशील होके हम नहीं चल सकते। किसान हमारे अन्नदाता है, उनका हमें ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कर्जे में थी, मध्य प्रदेश की जनता ऑलरेडी कर्जे में है, ऐसे में किसान कर्ज माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, अन्य भी योजनाएँ हैं जिसमें पैसे की बेहद ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में आप ये सारी योजना को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने आते ही साथ जो सबसे बड़ा निर्णय लिया कि कोई भी फिजूल खर्ची सरकार नहीं करेगी। पिछले 15 साल की बीजेपी की सरकार ने करोड़ों रुपए स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए बड़े बड़े इवेंट करे, बड़े बड़े मतलब पेपर अगर आप उठा के देखें इनकी सरकार के चलते न्यूज़पेपर तो पूरे इनके ऐड से भरे रहते थे। ये सब फिजूल खर्ची और जो ड्रेन होता था भ्रष्टाचार में, वो तमाम चीज़ें रोक कर काफ़ी पैसा बचाया है इस सरकार ने, जो कि लोगों तक पहुंचेगा, उनकी योजनाओं में लगेगा, सही हाथों तक पहुंचेगा। तो बीजेपी की जो एक काम करने की शैली थी उसको नकार कर अभी जैसे आज कल राहुल जी आने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार नहीं कर रही। यहीं अगर बीजेपी होती तो पूरा कार्यक्रम सरकार के जिम्मे होता, बसेस लगाते, ट्रेन्स फ्री करते, खाना बनता सभी कार्यकर्ताओं के लिए और जनता की खून पैसे की कमाई खुद को नेताओं को महिमा मंडित करने के लिए, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे शिवराज हो, तमाम उनकी यात्राएं, उनके इवेंट्स जनता के खून पैसे की कमाई पे होते थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। तो निश्चित ही जो ये पैसा है ये सब गरीबों के काम आएगा, किसानों के काम आएगा, नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनके काम आएगा, महिलाओं के काम आएगा, ये आम जनता के काम। अपन फिजूल खर्ची की जो बात कर रहे हैं, अभी देखने में आया PWD द्वारा कुछ सरकारी बंगले रिनोवेट कराए जा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों खर्च किया जा रहा है, क्या अभी इतनी जल्दी इसकी ज़रूरत थी? क्या वो बंगले रहने लायक नहीं थे? देखिए, जहाँ भी बहुत ज़रूरी है वहीं खर्चा हो रहा है, नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार ने तो ये तक कह दिया कि कोई मंत्री के पास सरकारी एक गाड़ी से, मंत्री हो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, उसके पास केवल सरकारी एक गाड़ी रहेगी, कोई बहुत 10 से 12 गाड़ियाँ जो पहले
बीजेपी के नेता और बीजेपी के समय में आए आईपीएस ऑफिसर्स रखते थे वो नहीं होगा। नहीं, बंगलों पे जहाँ जरूरी है वहीं हो रहा है। पहले भी उन बंगलों में मंत्री रह रहे थे, मंत्री रह रहे थे 15 साल वो वहाँ रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं रेनोवेशन की जरूरत पड़ती, जितना जरूरी है वही कर रहे हैं। अभी हम विज्ञापन से बचने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पहले के अखबार जो थे वो बीजेपी के लोगों से पीछे रहते थे। अभी भी हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी के जो होर्डिंग्स लगे हैं वो सरकारी खर्चे पे लग रहे हैं, क्या उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए, जो होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, और होर्डिंग्स भी हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा लगा रहे हैं, सरकारी इस तरह से ज़्यादा कोई होर्डिंग नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकारी कोई भी खर्चा हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम के लिए नहीं कर रहे हैं, जो भी होर्डिंग्स लगे वो हमारे कार्यकर्ताओं के लगाए हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उस आपका एक बड़ा जश्न है, उसकी तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी ये है कि कल राहुल जी आ जाएंगे, करीब 2:10 तक वो जम्बूरी मैदान पहुंच जाएंगे, वहाँ 2 घंटे वो रहेंगे, कार्यकर्ताओं से और प्रदेश की जनता से को एड्रेस करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि उन पे जनता ने विश्वास किया और हमें आशीर्वाद दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रवक्ता शोभा ओझा जी हमारे साथ ही, उन्होंने कई बिंदुओं पर नज़र डाली। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार सरकारी खर्चों से बच रही है, लेकिन देखने में आया अभी ही कई पीडब्ल्यूडी द्वारा बंगले रिनोवेट कराए जा रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा कि वो बहुत अहम है, 15 सालों से लोग रह रहे थे, शायद वो शुद्धिकरण का काम चल रहा है। शोभा जी के कहने से हमको ये लगा। शेफाली गुप्ता कैमरामैन तरुण यादव के साथ, दखल न्यूज़ भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।